हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सत्य स्वागत करुच्ची आपण मानू आम योग्य टीवी ओडिया रो यूट्यूब चैनल को दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना तेब आज ही आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ पाखे आसुवा बेल आइकन को क्लिक कर ऑल बटन को प्रेस कर दिंतु मुझे भी भिडियो अपलोड करी आपण मैंने देखिए सर्वप्रथमे दर्शक बंधु रामानंद सागर कर रचित रामायण पुणी थे टी दुनिया को फेरी आसी किछि दिन हेब दूरदर्शन यह प्रसारण भी करा लोक अनुग्रह क्रमे यही धारावाहिक को दूरदर्शन सका 9टा और राति 9टा प्रसारण करा आमे आपण को जणाई देउछु कि 80-90 दशकर भारतर सबुठु प्रसिद्ध रामायण रे मुख्य रूप से अरुण गोविल राम भूमिका निभाइथिले ओ दीपिका चिखलिया सीता भूमिका निभाई आज भी लोक मैंने धारावाहिक समस्त कलाकार मन रखिंट किंतु आज आम आपण को दीपिका चिखलिया असल जीवन विषय किसी कहवाक जाऊ 54 वर्षर दीपिका चिखलिया अभिनय करने सहित राजनीति भी कर सारी से 1991 बड़दरा लोकसभा निर्वाचन लड़ते और विजेता भी होते जदि तर अभिनय विषय कथबार्ता करवा तो दीपिका निजर कैरियर आरंभ समय भी ग्रेड फिल्म गुड़िकरे काम करते कि रामायण ऑफर मिलला एवं से सीता रूप से घरे घरे परिचित हो गले एक रिपोर्ट अनुसार जितेबले दीपिका चिखलिया रोल ऑफर होता तेरे से ही समय से मात्र 15-16 वर्षर थे दीपिका रामायण पर टीपु सुल्तान और विक्रमर बेताल भली केतेक शो केतेक फिल्म भी काम कर किंतु किछि दिन परे दीपिका चिखलिया गुजरातर बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला सह विवाह करथिले जहांकर एक कॉस्मेटिक कंपनी थिला किंतु विवाह परे से टीवी इंडस्ट्री को छाड़ी स्वामी को कॉस्मेटिक कारोबार रे ताकु सहाय्य करथिले विवाह परे दीपिका चिखलिया निजर टाइटल भी चेंज कर देले से दीपिका चिखलियारु दीपिका टोपीवाला हो गले एहा सहित तांकर दुईटी झियो मध्य अछन्ति दीपिका निज स्वामी कंपनी मार्केटिंग टीम रो हेड भी अटंती किसी रिपोर्ट अनुसार दीपिका बहुत ग्लैमरियस लाइफस्टाइल भी जीति चंती यह सहित दीपिका आज भी निजक बहुत मेंटेन कर रखिंटी और आज भी से बहुत सुंदर नजर आसती वर्तमान ही दीपिका आयुष्मान खुराना फिल्म बालारे नजर आसी फिल्म से यामी गौतम माँ का रोल नजर आसी दर्शक बंधु जदि आमर ही तथ्य आपण मानक भल लगी थाए तेब भिडटी को गोटे लाइक करूँ एवं सांग मान सहित सेयार मध्य करूँ यहीपरी भिड देखा आम चेल को सब्सक्राइब करूँ आजपाई ये पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो से विदाय दिंतु जय जगन्नाथ जय भारत।